दोस्तों, आप लोगों के सामने मैं एक नया वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें बताया गया है कि सिंपली आप कैसे हम बना सकते हैं, जैसे एल्बम आर्ट हो गया, कोई पोस्टर हो गया, तो आप उसको बना सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं। चलिए बिना समय गवाए, अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो आपके पास जल्द से जल्द सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो बिना समय गवाए चलते हैं दोस्तों, कैसे बनाते हैं। जैसे हमारे पास एक ऐप्स है जिसका नाम है ब्लेंड कॉटेज। इसमें हम जाते हैं और जैसे इसमें ओपन करते हैं, कुछ इस टाइप का लुक आता है। मैंने पहले का यहाँ पे एक पोस्टर बना रखा है जो दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने एक कोचिंग का पोस्टर बना के रखा है, तो सिंपली मैं आपको एक नया पोस्टर बना के दिखाऊंगा। तो आइए पहले हम क्रिएट कोटेज पे चलते हैं, क्रिएट कोटेज करते हैं, उसके बाद से इसमें आता है बैकग्राउंड चेंज करने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको बैकग्राउंड चेंज करते हैं। तो बैकग्राउंड में कई तरह से बैकग्राउंड आते हैं, जैसे कलर आ गया, कलर में कितने प्रकार के कलर आते हैं। इसके बाद से फिर से जाएंगे तो इसमें और कई प्रकार से इसमें आते हैं, जैसे बैकग्राउंड। तो हमने सिंपली इस बैकग्राउंड को ले लिया, यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों, इसको ले रहे हैं, ऐसे आ रहा है। उसके बाद से हम यहाँ पे ओके कर देते हैं। उसके बाद से ऐड फोटो पर जाते हैं और फोटो में जाकर गैलरी में जाते हैं। तो गैलरी में हमने फ़ोटो रखा है, पहले का स्टिकर बना के रखा है। तो हम इसको क्या करते हैं, यहाँ से देखिए मैंने अपना स्टिकर बना के रखा है, तो यहाँ से हम अपना स्टिकर ले लेते हैं और यहाँ पर ले आकर इससे छोटा या बड़ा कर सकते हैं और इसे बना सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हमको यहाँ पर कुछ लिखना है, तो हम ऐड में जाते हैं, उसके बाद से टेक्स्ट में जाते हैं। टेक्स्ट में जाने के बाद आप जो भी कुछ लिखना चाहते हैं, जैसे जिस कलर में लिखना चाहते हैं, जैसे हमको लिखना है, जैसे कोई स्कूल है जिसका नाम है सनराइज एजुकेशन पब्लिक स्कूल, या कोई भी कोचिंग, गुरुकुल कोचिंग, जैसे लिखते हैं गुरुकुल कोचिंग कोचिंग सेंटर। देखिए दोस्तों, तो हमने इसको सिंपली ऐसे किया और यहाँ पे वो किया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे गुरुकुल कोचिंग सेंटर आ गया है। इसके बाद से हम इसको छोटा या बड़ा घुमा सकते हैं, कर सकते हैं। देखिए यहाँ से हम सीधा कर सकते हैं और इसको थोड़ा छोटा कर सकते हैं ऐसे, और इसको यहाँ पे ले आके लगा सकते हैं। जैसे और भी कुछ लिख सकते हैं यहाँ पे, जैसे टेक्स्ट में जा कर के और भी कुछ लिख सकते हैं, जैसे हम वो हिंदी फॉन्ट है हमारे में, तो जैसे लिख देता हूँ कुछ भी, भोरे गोपालगंज, गोपालगंज। गोपालगंज ये मेरा ज़िला का नाम है, और यहाँ पर लाकर हम सेव कर देते हैं। इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं एडिट में जा कर के, जैसे हमको इसमें करेंगे तो पीला में हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, इसमें और भी कुछ बना सकते हैं, जैसे और भी आपको कुछ लिखना होगा, मतलब तो बहुत कुछ पोस्टर बनाना होगा यहाँ पर। जैसे सिंपली मैंने आपको इस तरह से आप बना सकते हैं, मैंने इसको पहले बनाया है, देखिए मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ आप लोगों को, मैंने इसी तरह से पहले बनाया है। जैसे हमने यहाँ पे लगाया है, इसको देख रहे हैं हट जा रहा है, इसके बाद से यहाँ इसको लगाए हैं, देख रहे हैं इसको हट जा रहा है, बन जा रहा है, इसको लगाए हैं, ये नेट से डाउनलोड करके आप सिंपली देख रहे हैं इसको कैसे कैसे हम लगाए हैं। इस तरह से आप अच्छे से एक बैकग्राउंड लगा करके एक अच्छा सा वीडियो बना सकते हैं। ओके दोस्तों, चलते हैं। आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना तथा बेल आइकन को दबा देना।